कुबेर का घर। वह साधु विचित्र स्वभाव का था, वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजब था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे, कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहां तो पेट के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहां से दे सकेंगे, किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना, जाओ जाओ बाबा आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया, उसकी हथेली पर एक नन्ना सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो, अपने पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करना, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ में नन्ना सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं, इसे अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था, वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माताजी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार दी। किसान सहसा बाहर आया, उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन लेना। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई, उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना, अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया, तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया, वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में समक्ष रहे, मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ, जब तक तुम जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो पेट भर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा, जो फसल के दाने पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है, मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है, जहां आतिथ्य का वास है वहां मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा मुझे चलने की अनुमति देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा। कहा भी है, पृथ्वीया त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल अन्न और सुभाषित।
मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं।